तो ये दोस्तों वैनिला आइसक्रीम लिया है मैंने। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, बट ये वैनिला आइसक्रीम खाने का बहुत मन किया। मेरी मॉम का फेवरेट है वैनिला आइसक्रीम। वैनिला आइसक्रीम 100 रूबल्स अगेन, यहाँ पर पिघलने वाली नहीं है। मैं जितना बात कर रहा हूँ आपसे, अभी तक पिघली भी नहीं है और पिघलने वाली भी नहीं है। आखिरी रात है मेरी कज़ान में। कज़ान शहर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बेहद खूबसूरत, डिसिप्लिन लोग हैं। मैंने बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन लोग नहीं देखे यहाँ पर। पता नहीं मुझे ये वीडियो भी लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज़ यहाँ पर 10 डिग्री है कज़ान में, कज़ान रिपब्लिक ऑफ ततरस्तान। तो ये दोस्तों वैनिला आइसक्रीम लिया है मैंने। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, बट ये वैनिला आइसक्रीम खाने का बहुत मन किया। मेरी मॉम का फेवरेट है वैनिला आइसक्रीम। 100 रूबल्स अगेन, यहाँ पर पिघलने वाली नहीं है। मैं जितना बात कर रहा हूँ आपसे, अभी तक पिघली भी नहीं है और पिघलने वाली भी नहीं है। बट ये खानी भी चाहिए कि नहीं पता नहीं, पहले से ही मुझे गले में थोड़ी सी खराश है और मैं अपने गले की पूरी बैंड बजाने वाला हूँ। बट कोई नहीं, इसके बाद मैं गर्मा गर्म फूड कहीं ना कहीं खा लूँगा तो मेरा गला स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो
एक्सक्यूज़ मी, अगर नहीं हुआ तो संभल लेना भाई। मुझे नहीं लगता कि मेरा गला ख़राब होगा, मैंने पहले भी आइसक्रीम खाई हुई है यहाँ पर, आई थिंक सेंट पीटर्सबर्ग में या कहीं तो मैंने खाई थी, बट हॉस्टल रूम में जाकर खाई थी। इतने देर से मैं सिर्फ पकड़ा हूँ, देखते टेस्ट करते कैसे लगता है। पहले से ही सर्दी है, एक्सक्यूज़ मी। आ हा हा, 100 रुपये का वैनिला आइसक्रीम भाई, ज़िंदगी में पहली बार खा रहा हूँ। 100 रुपये नहीं, मतलब 100 रूबल्स, मतलब हिसाब किताब सेम ही है, रूबल्स हो या रुपीस सेम है। सुकून मिला, क्या टेस्ट है, मतलब ठंडा, मतलब अलग ही आइसक्रीम है ये। 100 रूबल्स में गले को खराश नहीं होने वाली है, ऐसे वाली आइसक्रीम हो सकती है, लेट्स सी। हल्की सी बारिश हो रही थी इसके लिए मैं आइसक्रीम खाने के बाद जा बैठा अपने हॉस्टल रूम के अंदर। मैंने थोड़ा बहुत रिलैक्स किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैकडोनल्ड्स के बाहर कितनी गर्दी है, भीड़ है, जमा हुई है। यहाँ पर मैकडोनल्ड्स भी, यहाँ पर भी बहुत फेमस है, मतलब यंगस्टर्स बहुत है यहाँ पर इस शहर में, तो बेसिकली वो लोग मैकडोनल्ड्स, KFC या इन जगहों पर ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। लाइन लगी हुई है, पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है। बजे है 9:45, 15 मिनट में मेरा वो जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, उसके पहले मुझे वहाँ तक पहुँचना है और एक अच्छा सा बढ़िया सा सूप ऑर्डर करना है। आज मेरा मन है आइसक्रीम, तो 2 घंटे पहले खाई थी, नॉर्मल है, मुझे सर्दी नहीं पकड़ी है, और बेसिकली रूम पे गया तो नॉर्मल हो गया, गर्म हो गया पूरा शरीर अच्छे से, हीटर लगाया रहता है हर टाइम, 24 घंटे हीटर चालू रहता है। ये भी एक अच्छा खासा एक कैफ़े है, बीच सड़क पर एक कैफ़े काउंटर है, अच्छा लग रहा है वाइब्स। आखिरी रात है मेरी कज़ान में, कज़ान शहर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बेहद खूबसूरत, डिसिप्लिन लोग है, मैंने बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन लोग नहीं देखे यहाँ पर, थोड़े बहुत सेंट पीटर्सबर्ग में देखने मिला था मुझे इनडिसिप्लिन बंदे लोग। एकदम म्यूजिकल स्ट्रीट बन चुका है, स्ट्रीट आर्टिस्ट एकदम फुल जोश में यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज सैटरडे नाइट है, मेरी सैटरडे नाइट इन कज़ान, ओके। मैं चिल्ला रहा था तो आजू बाजू वाले सब लोग मुझे पलट के देखे, बट कोई नहीं, एनर्जी लेवल हाई है दोस्तों। ये देखो ये मेंढक लोग थूक रहे पानी में, पता नहीं क्यों।